आप सभी प्रिय मित्रों का आपके अपने चैनल एम्स गिल इन्फोटेनमेंट में स्वागत है। आज हम आपको बाबा आला सिंह जी की जीवनी सुनाएंगे। पटियाला के पहले महाराजा बाबा आला सिंह थे, जो फुल्किया मिसल के जत्थेदार थे। उनका जन्म 1691 में पंजाब के वर्तमान बठिंडा जिले के फूल में हुआ था। वे भाई राम सिंह के तीसरे पुत्र थे। उनके दादा बाबा फूल एक छोटे लड़के के रूप में गुरु हरगोबिंद द्वारा आशीर्वादित थे। आला सिंह के पिता और उनके चाचा तिलोक सिंह दोनों ने गुरु गोबिंद सिंह के हाथों दीक्षा के संस्कार प्राप्त किए थे, जिन्होंने उनके परिवार को ये स्तुति दी थी, तुम्हारा घर मेरा अपना है। आला सिंह की शादी कम उम्र में फतेह कौर से हुई थी, जिन्हें माए फत्तो के नाम से जाना जाता था, जो खान के चौधरी काला की बेटी थी, जो अब पंजाब के संगरूर जिले में काले के गाँव के जमींदार थे। और उनके तीन बेटे थे, भूमिया सिंह, सरदूल सिंह और लाल सिंह, जिनकी मृत्यु उनके जीवन काल में ही हो गई थी, और एक बेटी बीबी प्रधान। आला सिंह का विजय अभियान 1716 में बंदा सिंह बहादुर की फांसी के तुरंत बाद शुरू हुआ, जब मध्य पंजाब पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। आला सिंह बठिंडा से लगभग 40 किलोमीटर दूर फूल में रह रहे थे। उन्होंने अपने इर्द गिर्द तेज तर्रार और साहसी युवकों का एक समूह इकट्ठा किया। 1722 में उन्होंने बरनाला में अपना मुख्यालय स्थापित किया, जो 32 किलोमीटर दूर पूर्व में था, और उनके क्षेत्र में 30 से अधिक गांव शामिल थे। बरनाला में आला सिंह ने 1731 में रायकोट के राय कल्हा को हराया, जो एक प्रभावशाली सरदार थे और उनके पास एक बड़ी सेना थी। दल खालसा के घुमंतू गिरोहों की मदद से उन्होंने भट्टियों के कई गाँवों को लूटा और अपने कब्जे में ले लिया। उन्होंने छाजली, दिरबा, लोगोवाल और शेरोन जैसे कई नए गांव भी बसाए। कुछ समय के लिए आला सिंह 1745-48 तक सरहिंद के मुगल गवर्नर अली मोहम्मद खान रोहिल्ला की हिरासत में रहे, और उन्हें तभी रिहा किया गया जब फरवरी 1748 में अफगान हमलावर अहमद शाह दुर्रानी के आगमन पर रोहिल्ला अपनी राजधानी छोड़कर भाग गए। सरहिंद से 15 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में मनुपुर के पास 11 मार्च 1748 को मुगलों और अहमद शाह दुर्रानी के बीच लड़े गए युद्ध में आला सिंह ने मुगलों का साथ दिया। उन्होंने दुर्रानी की आपूर्ति बंद कर दी और उनके ऊंटों और घोड़ों को जब्त कर लिया। 1749 में आला सिंह ने राजपूत सरदार फरीद खान को हराया और खदेड़ दिया, जिसने सरहिंद के शाही गवर्नर की मदद मांगी थी और उसके द्वारा भवानीगढ़ में एक किले के निर्माण को रोक दिया था। 3 साल बाद आला सिंह ने सनौर जिले पर कब्जा कर लिया, इनमें से एक, जहां उन्होंने 1763 में एक किला बनवाया था और जो तब से उनकी स्थायी सीट थी, पटियाला के नाम से प्रसिद्ध हुई। 1760 के अंत में आला सिंह के पास कई शहरों सहित 726 गाँव थे। पानीपत की लड़ाई 1761 की पूर्व संध्या पर जब मराठों के शिविर को अहमद शाह दुर्रानी ने घेर लिया था, तो आला सिंह ने उन्हें खाद्यान्न और अन्य प्रावधानों के साथ मदद की। फरवरी 1762 के वड्डा, घल्लूघारा या महान नरसंहार में आला सिंह तटस्थ रहे। इस प्रकार फुल्किया मिसल को दल खालसा से बाहर घोषित कर दिया गया। अहमद शाह ने उन्हें बरनाला शहर के विनाश के साथ दंडित किया। आला सिंह शाह के शिविर में उपस्थित हुए, उन्हें अपना सिर और दाढ़ी मुंडवाने का आदेश दिया गया। उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया और इसके बदले में 125,000 रुपए की राशि देने की पेशकश की। शाह ने पैसे स्वीकार कर लिए, लेकिन उन्हें लाहौर ले जाया गया, जहां उन्होंने 5,00,000 रुपए और देकर अपनी आजादी हासिल की। आला सिंह ने 1732 में दल खालसा के नेता कपूर सिंह के हाथों पाहुल पर कब्जा किया। वे 1764 में सरहिंद पर हमले में जस्सा सिंह अहलूवालिया के सहयोगी थे। बाद में उन्होंने भाई बुद्ध सिंह से इस शहर को खरीदा, जिन्हें खालसा ने इसे सौंपा था। 29 मार्च 1761 को अहमद शाह दुर्रानी ने पहले ही एक लिखित आदेश द्वारा आला सिंह की संप्रभुता को उनके द्वारा नियंत्रित क्षेत्रों पर मान्यता दे दी थी। भारत पर अपने 7वें आक्रमण के समय उन्होंने उन्हें सरहिंद की सरकार 1765 में पुष्टि की और उन्हें राजा की उपाधि दी, साथ ही सम्मान के वस्त्र और राजसी प्रतीक के रूप में एक ड्रम और एक बैनर भी दिया। आला सिंह की मृत्यु 7 अगस्त 1765 को पटियाला में हुई और उनका अंतिम संस्कार किले में किया गया, जो अब शहर के अंदर है। आला सिंह हालांकि एक सच्चे खालसा नेता नहीं थे,
लेकिन प्रभावशाली थे। उन्होंने खालसा से ज्यादा अपने राज्य के लिए काम किया। फिर भी वह एक सिख थे और उनके इन्हीं गुणों के कारण आसपास के गांवों के सिखों ने उनका समर्थन किया। अपना कीमती समय निकाल के हमें सुनने के लिए सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद। और भी सिख इतिहास कहानियां और घटनाएं जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह।